गोकुलधाम सोसाइटी में रिपेयरिंग का काम चल रहा है, इस वजह से इस साल सोसाइटी में होली नहीं मना रहे हैं। कल्ला? लेकिन भिड़े अंकल, टिपेंद्र जेठालाल गड़ा गोकुलधाम में होली मना कर रहेगा। ला मैं तुझे बताता हूँ, पहन के ही बताता हूँ। ये देख, आ गया कि नहीं, मेरे हाथों में भी आ गया। ये देख, देखा आ गई ना, मेरे हाथों में चार चार चूड़ियाँ। गुड मॉर्निंग दया भाभी। दया के माने उसके लिए चूड़ियाँ भेजी। मैं बोल रहा था बहुत बड़ी साइज की, वो मान नहीं रही थी, तो मैंने अपने हाथों में पहन के साबित कर दिया कि चूड़ियाँ बड़ी है। तो बैठिए ना बबीता जी, बैठिए ना। इट्स ओके जीठा जी, मुझे आपसे एक छोटा सा काम था। हाँ बोलिए। आपके पास सेल का चार्जर मिलेगा क्या? है ना, मुझे मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है और सेल की बैटरी बहुत डाउन है। एक मिनट देखो। ओ यार छोटे पिन वाला, ये इसमें तो मेरा चार्जर फिट हो जाएगा। बैठिए ना बबीता जी, बैठिए। थैंक यू। और बबीता जी, आप तो आज से होली है मूड में है। ये आपका टी शर्ट देख के ऐसा लगता है कि आप अभी कहीं से होली खेल के आ रहे हैं। कलर 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 है ना। क्या अभी जेठा जी, गलत बोला कुछ? लीजिए। मिल गया, चले जाओ बबीता जी, ये उसमें फिट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दया भाभी, थैंक यू सो मच जेठा जी। बबीता जी ऐसा गाली मत दीजिए प्लीज। गाली? दोस्तों के बीच में थैंक यू गाली ही है ना। हाँ बराबर बराबर है। आप भी ना जेठा जी। नहीं नहीं, मैंने कुछ गलत बोला? बबीता, ये देखो तुम्हारा चार्जर। हाँ मैंने ढूंढ निकाला है, वो अपना म्यूजिक सिस्टम है ना, उसके नीचे पड़ा था। तुम खाम खा यहाँ पर आई। ये ले। खाम खा तो आप इधर आए, बबीता जी की पुछड़ी। I'm so sorry, मैंने आप लोगों को सुबह सुबह तकलीफ दी। नहीं नहीं, इसमें हमको क्या तकलीफ बबीता जी, तकलीफ तो अय्यर भाई को हुई। मेरे को? हाँ, ये बबीता जी का चार्जर देने के लिए आपको इतना पूरा घूम के हमारे घर तक आना पड़ा ना। वैसे फोन भी कर दिया होता बबीता जी तो भी काम हो जाता नहीं? या एक्चुअली, अरे अय्यर भाई, बबीता जी आप लोग बैठिए ना, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। ना थैंक यू दया भाभी, क्या हम लोगों ने जस्ट अब भी कॉफी पिया है। चलो बबीता। एक मिनट बबीता जी, कल होली का क्या प्रोग्राम है? वेल, भीड़े भाई ने तो हमारी सोसाइटी में होली का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है, इसीलिए हम लोग पुणे जा रहे हैं होली खेलने के लिए। वहाँ मेरा दोस्त है ना बाला सुब्रमण्यम, उसके घर पर। अय्यर भाई अब होली खेलने के लिए छेक पुणे जाएंगे? ऐसे अलग अलग होली खेलने में क्या मजा आएगा? अय्यर भाई, अरे लेकिन दया भाभी, सोसाइटी में काम चल रहा है ना, होली खेलने का जगह ही नहीं है। अरे जगह का बंदोबस्त मैं करूंगा ना। आप लोगों 12 सुब्रमण्यम के उधर नहीं जाएंगे होली खेलने के लिए? जेठालाल 12 सुब्रमण्यम नहीं, वो एक ही है, बाल सुब्रमण्यम। अरे एक हो या 11 हो, जो भी है, आप लोग नहीं जाएंगे उधर। जेठालाल का आप लोगों से वादा है कि कल हम सब गोकुलधाम वासी एक साथ मिलके होली खेलेंगे। हाँ, असली मुझे सबके साथ आता है। हाँ दया भाभी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जेठालाल, अगर जो बंदोबस्त नहीं हुआ तो हम लोग आज रात को ही पुणे चले जाएंगे। एक काम करो, आप अकेले अभी निकलो पुणे। कल अगर कुछ प्रोग्राम नहीं हुआ तो मैं बबीता जी को पुणे छोड़ने के लिए आ जाऊंगा। जेठालाल। अरे क्या जेठालाल, बोला ना कल का प्रोग्राम होगा मतलब होगा। और नो करे नारायण ने, मान लो के कल का प्रोग्राम नहीं हुआ तो हम लोग भी आ जाएंगे आप लोगों के साथ पुणे होली खेलने के लिए। ग्रेट बबीता, चलो दया भाभी, बाय बाय। ओके बबीता जी, कल करेंगे कुछ तड़कता भड़कता प्रोग्राम, मजा आएगा होली में। पापा, अब होली के लिए सबको कहाँ पर लेकर जाने वाले हैं? दुकान दुकान जाकर अभी सोचूंगा, अभी सोचा नहीं है। ओ, अब ठीक।
चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। होली है भाई, होली है, रंगों वाली होली है, होली है भाई, होली है, रंगों वाली। तारक, आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? हाँ भाई, यही एक चीज है जिसपे सरकार ने अभी तक टैक्स नहीं लगाया। हंसने दो। पर तुम क्या अंजलि, एक छोटा सा काम नहीं हो रहा तुमसे, सुई में धागा नहीं डाला जा रहा। क्या तारक, आपको ये काम इतना आसान लगता है? आसान लगता है मतलब? अरे आसान है अंजलि, कोई भी काम कठिन नहीं होता, बस दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आदमी में कॉन्सेंट्रेशन हो, एकाग्रता हो, तो एक बार में जाता है सुई में धागा। इतनी ट्राई नहीं करनी पड़ती। तो आप ही ट्राई कीजिए ना। हाँ हाँ, लाओ ना। लीजिए। लाओ 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 लाओ। भाई अंजलि, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी इजी, ओनली 3-स्टेप साइंस। ये स्विंग, ये धागा, और तीसरा स्टेप, और अब ये धागे को सुई के नजदीक लेके आओ, और बिल्कुल एकाग्रता के साथ ये तुमने ये क्या? आपकी एकाग्रता कहाँ गई तारक? कॉन्सेंट्रेशन सब तुम्हारी वजह से। आज तक दुनिया में जितने भी पति असफल हुए हैं ना, सिर्फ पत्नियों के टोकने की वजह से। अंजलि, लेट मी कॉन्सेंट्रेट, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? तारक, मैं आपका कॉन्सेंट्रेशन बिगाड़ रही हूँ? अच्छा, थोड़ी देर के लिए चुप रह सकती हो? ठीक है, तो मैं एकदम चुप हो जाती। थैंक गॉड। मेहता साहब, अब्दुल 2 मिनट बाद नहीं आ सकता था तू? ठीक है, 2 मिनट के बाद आता हूँ। अरे अभी क्या है यार, अभी डूब गया टाइटैनिक, गई भैंस पानी में, आ जा अभी। तसब, ये क्या कर रहे थे? अब्दुल, धागे में सुई पिरो रहा था। तुम्हारा कैसे आना हुआ भाई? भिड़े साहब ने ये सर्कुलर दिया है कि इस साल सोसाइटी में होली नहीं होगी। मैं सब, मैं चलता हूँ, ये सर्कुलर पूरी सोसाइटी में बांटना है। खुदा हाफिज। थैंक यू। तारक, अगर सोसाइटी कंपाउंड में होली नहीं खेली जाएगी तो बच्चों का तो मूड ही खराब हो जाएगा। पर मुझे बच्चों से ज्यादा जो हमारे बड़े बच्चों जैसे उनकी चिंता है। मतलब? मतलब जेठालाल। होली पर जेठालाल का उत्साह बच्चों से भी कहीं ज्यादा होता है। ये रिनोवेशन का काम इस बार मेरे दोस्त की होली खराब कर देगा। चाचा, भतीजा। अरे सेठ जी, आप आ गए, आइए आइए। ये क्या चल रहा है दुकान में? चेस खेल रहे हैं। अरे ऐसा समाधि में घुस के आप लोग चेस खेलोगे तो कोई दुकान में आके चोरी करके भाग जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। ऐसे कैसे चोरी करके जाएगा सेठ जी, चेस खेलने के साथ साथ हमारा दुकान पर भी पूरा ध्यान है। अरे कपाड़ पूरा ध्यान है, तुम लोग अभी खेल रहे थे, मैं दुकान में आके ये मोबाइल और शोकेस में से चुरा के बाहर चला भी गया, पता चला? हाँ। तो मुझे पकड़ा क्यों नहीं? सेठ जी, आप मालिक हो, ये आपकी दुकान है, आप आपकी दुकान में से कुछ भी चुराओ, हम आपको पकड़ने वाले कौन होते हैं? बागा बेटा, कॉन्सेंट्रेट, तेरा प्यादा गया।
ये क्या, ये तुम दोनों का राजा किधर है? वो तो बेचारे कब के मर चुके। ये किस टाइप का चेस खेल रहे हो तुम लोग? CBSC मतलब चाचा भतीजा स्पेशल चेस, इन्वेंशन बाय नटवरलाल प्रभाशंकर उंडाईवाला एंड बागेश्वर दादू उंडाईवाला। हाँ सेठ जी, और इस चेस की खासियत ये है कि इसमें छोटे से छोटे प्यादे का बड़े से बड़ा महत्व है, और जब तक आखिरी प्यादा मर नहीं जाता तब तक ये खेल चलते ही रहता है। आखिरी प्यादा मरते ही खेल खत्म। वैसे हम लोग चाहो तो आखिरी प्यादा मरने के बाद भी ये खेल को आगे चला सकते हो। अरे वो कैसे सेठ जी? एक दूसरे का प्यादा उधर मांग मांग के। ओ, सेठ जी इज अ पॉइंट। हाँ नटू काका, सेठ जी की बात में दम है। ए भगत, तो हम ऐसा करते हैं। अरे बंद करो ये नौटंकी। तुम लोग इधर ऐसे दुकान में चेस खेलोगे तो फिर ग्राहक पे ध्यान कौन देगा? सेठ जी कोई ग्राहक आने वाला नहीं है। क्यों? उलास्टक चल रहे हैं ना, उलास्टक में कोई नई चीज की खरीदी नहीं करता। अरे हर ग्राहक आपकी तरह नहीं सोचता नटू काका। एक्सक्यूज मी। आइए आइए भाई साहब। भाई मुझे एक 32 इंच का फर्स्ट क्लास LCD दिखाइए। हाँ जी बिल्कुल। आइए 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 आइए। फर्स्ट क्लास ये देखो, ये सब 32 इंच का ही है, और इसमें आपको बताऊं तो ये जो है ना, ये सबसे बेस्ट पीस है। ये आजकल मार्केट में बहुत बिकता है, गर्मा गर्म भजिया की तरह बिकता है। इसकी प्राइस कितनी है? ये 28,000। नहीं नहीं, मेरा बजट तो सिर्फ 25 के आसपास है। अच्छा, हाँ तो 28-25 के आसपास ही तो है, कहाँ ज्यादा दूर है। मेरा बजट सिर्फ 25 का ही है। बागा, मैं बात करता हूँ। आपका 25 का है ना बजट? हाँ, तो ये बहुत बढ़िया पीस है। ये और वो दोनों वैसे भाई भाई है, इसमें और उसमें खाली एकदम फंक्शन का फर्क है, बाकी बहुत बढ़िया पीस है। और इसकी कीमत वैसे 26,000 है, लेकिन ये मैं आपको दूंगा 24,500 में, आपके बजट से 500 कम। बस एक काम करो, आप एड्रेस लिखवा दो, मैं अभी कभी डिलीवरी करवा देता हूँ, फर्स्ट क्लास फिटिंग करवा देता हूँ, और पैसा भी आप घर पे ही दे देना, चलेगा? हाँ तो एड्रेस लिख लीजिए। नटू काका, भाई साहब का एड्रेस लिख लीजिए और अभी कभी डिलीवरी करवा दीजिए। जी सेठ जी। वाह सेठ जी, मान गए आपको, आपने हमें गलत साबित कर दिया। भागा, हमने क्या गलती की? नटू काका, हम मानते थे कि होलास्टक में सब अशुभ मुहूर्त होते हैं, कोई भी नई चीज की खरीदी नहीं करता, लेकिन सेठ जी का दृढ़ मानना था कि सब ग्राहक ऐसा नहीं सोचते, और ये भाई साहब उसका जीता जागता उदाहरण है, जो होलास्टक शुभ अशुभ मुहूर्त की परवाह किए बिना अपने घर से खरीदी करने के लिए निकल पड़े हैं। ये होलास्टक क्या है? होली के पहले के 8 दिन अशुभ माने जाते हैं, तो अशुभ मुहूर्त में कोई भी कोई नई चीज नहीं खरीदता। जो भी करता है होली के बाद ही करता है। एड्रेस बोलिए। नहीं नहीं, अब मैं होली के बाद ही आता हूँ। थैंक यू अंकल। अरे भाई साहब, ओ अंकल, ये क्या किया आपने? मैंने क्या किया? अरे वो अच्छा भला खरीदी कर रहा था, उसका भगा दिया। मैंने कहाँ भगा दिया सेठ जी, मैंने तो उसे होला स्टक का मतलब समझाया। अली चुप रे, पर खड़ा खड़ा मेरा मुंह मत, कुछ काम कर। क्या काम करूं? बागा तू जा। कहाँ? गांव वापस। अरे नहीं बेटा, ये चेक है ना, ये चेक तू बैंक में जमा करके आ जा। जी बस बेच दिया काम पे। और आप अभी क्या करेंगे? मैं ये गेम सेव करके रख देता हूँ। नटू काका, ये सब छोड़ो, धंधे में ध्यान दो, स्टॉक देखो जरा कितना बैलेंस है। जी हाँ, बोलिए बोलिए मेहता साहब। अरे जेठालाल भाई, विश्वस्त सूत्रों द्वारा पता चला है कि इस बार हम सोसाइटी में होली नहीं खेलने वाले। नहीं नहीं, किसने बोला खेलने वाले होली?
अरे सोसाइटी में रिनोवेशन का काम चल रहा है जेठालाल, और होली खेलने के लिए कोई प्रॉपर प्लेस या जगह चाहिए, तो कैसे खेलेंगे बताओ? अरे आप लेखक कुछ आइडिया बताओ, कहाँ खेल सकते होली? क्या आइडिया दूं? हाँ एक काम हो सकता है जेठालाल, हम में से किसी की जान पहचान वाले का कोई बंगलो हो या फार्म हाउस हो, और वो हमें 4-5 घंटे के लिए मिल जाए, तो वहां जाके हम होली खेल सकते हैं। हाँ ये आइडिया अच्छा है, ठीक है मैं कोई अच्छे से जगह ढूंढता हूँ। ठीक है तो तुम कोई जगह ढूंढो, मैं भी देखता हूँ अगर कोई जगह मिलती है तो। और फिर एक काम करते हैं, शाम को हम सारे मित्र लोग मिल जाते हैं मेरे घर पे और फिर कल का प्लान करते हैं। ठीक है। सबसे पहले वो रोतल भीड़े को बोल दू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ 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 जेठालाल, जेठालाल। हाँ बोलो जेठालाल। अरे भाई कल हम सब लोग मिलके होली खेल रहे हैं भाई। जेठालाल अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा सुपुत्र टिपेंद्र यहाँ पर आकर धमकी देकर गया है कि कल होली खेलेंगे, अब तुम धमकी दे रहे हो मुझे? अरे भाई मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, खाली बता रहा हूँ कल हम सब साथ में मिलके होली खेले ऐसा एक प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, तो खाली वो तुझे बता रहा हूँ भाई। तो तू अभी सोसाइटी में कोई दूसरा सर्कुलर घुमाना मत अभी, ठीक है? हेलो 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 हेलो, ये बाप बेटे दोनों होली के दीवाने हैं। क्यों क्या हुआ? ये जेठालाल का फोन था, उसने कल होली का प्रोग्राम अरेंज किया है, कह रहा था कि सब मिलकर होली खेलेंगे। भैया काय सांगता है काय, मस्त तो मज्जा ही लो। अरे मज्जा काय देत माधवी, इतने सारे सर्कुलर छाप दिए थे मैंने, सारी स्टेशनरी वेस्ट हो गई। अरे हमारे जमाने में सारे पापड़ पैक हो गए? नहीं अभी बाकी है। तो क्यों टाइम पास कर रहे हो, जल्दी से पैक कीजिए ना, डिलीवरी इस जमाने में ही करनी है मतलब। कितने किलो थे मैंने? 8। माहिती है माहिती है। 9, 10, 11। हेलो बच्चों भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ। वो आप अपना मॉडलिंग वाला बंगला भाड़े पे देते हैं ना, तो ए होली खेलने के लिए 5-4 घंटे के लिए बंगला मिल सकता है आपका? ओहो अच्छा, मेहमान आ रहे हैं आपके, ठीक है कोई बात नहीं। नहीं नहीं कोई कोई बात, हाँ ओके। सेठ जी आपको होली खेलनी है ना? हाँ। तो आप हमारे भादण नगर में आ जाइए। अरे हमारे भादण नगर जैसी होली ना आपने खेली होगी ना कभी देखी होगी। जलाराम मंदिर के पास मैदान में शाम को 5 बजे तक हम लोग होली खेलते हैं, बड़ा मजा आ जाएगा, आ जाइए। नड्डू काका भादरा नगर रहने दीजिए, कोई खाली बंगलो या किसी का फार्म हाउस ऐसा कुछ मिला तो जरा देखिए। ओके एज यू विश। सोडी को फोन करके पूछता हूँ। हाँ भाई सुनील, अमरजीत सिंह जी को बता दे गड्डी उनकी एकदम फिट हो गई है। ओह जेठा ब्रा की आला, और दुकान पे सब चंगा है? बढ़िया बढ़िया, वधिया वधिया भाई वधिया, कहा हो तुम? ओए जेठा ब्रा मैं गड्डी दे के आ रहा हूँ और अब सीधे गैराज को जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा छोटी, मैं ये पूछ रहा था तेरी पहचान में किसी का कोई बंगला होगा खाली जहाँ हम लोग होली खेल सके? और पिडू का सर्कुलर पढ़ के तो मैं तुम्हें फोन करने वाला था और तुम मुझे पूछ रहे हो? अरे मैंने लगा तेरी पहचान में तेरे किसी दोस्त का होगा तो मिल जाएगा बंगला अपने को। अरे हाँ एक है। हाँ तो डन कर सीधा, लेकिन जलंधर में है। छोटे तो रहने दे, मैं ही कुछ बंदोबस्त करता हूँ। हाँ चलो फोन रख। लेकिन करना जरूर। हाँ हाँ अरे जरूर जरूर, होली हम लोग खेल के रहेंगे भाई कल। चंगा सेठ जी, रंगीला रिसोर्ट में होली के लिए बुकिंग मिल सकती है, पर पर्सन 2000। एक जन का 2000, अरे हम लोग 25 लोग हैं मतलब 50,000। अरे होली में दिवाला निकालेंगे आप, कोई खाली बंगलो या कोई फार्म हाउस हो को ढूंढो ना भाई, रिजोर्ट बिजोर्ट छोड़ो। दोस्तों कई बार मुझे लगता है कि मेरे परम मित्र जेठालाल आम इंसान नहीं है, एक सैनिक है जो हमेशा लड़ते रहते हैं मुसीबतों से। ये एक ऐसा लड़ाका है जो हमेशा किसी न किसी मिशन पे रहता है। अब नया मिशन है उनकी जिंदगी में होली के लिए एक शानदार जगह का बंदोबस्त करने का मिशन। अब ये बंदोबस्त तो करना पड़ेगा साहब, क्योंकि उन्होंने बड़ी शान के साथ बबीता जी के सामने कह दिया है कि भाई मैं होली के लिए जगह का बंदोबस्त करूंगा।
अब नेता लोग अपने वादे से फिर सकते हैं, लेकिन जेठालाल बबीता जी को दिया गया वादा भूल जाए ये तो संभव नहीं है। उनके लिए ये वादा ऐसा ही है जैसे प्राण जाए पर वचन न जाए। अब देखना ये होगा कि ये वादा निभाने के लिए वो किस तरह से ये जगह ढूंढते हैं। भाई जिस तरह होली में अलग अलग रंग होते हैं, यहाँ अलग अलग हंगामे होने वाले हैं जेठालाल की और गोकुलधाम वालों की जिंदगी में। लेकिन आप लोगों के लिए परिणाम सिर्फ एक हंसी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।